इसको लेकर भगवान श्री राम के भक्त की भक्ति और भी गहरी होती जा रही है। भगवान श्री राम के ऐसे ही दो अनन्य भक्त भागलपुर में देखने को मिले, जो लगभग 700 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर अयोध्या पहुंचेंगे। यह दोनों भक्त भागलपुर जिले के कहलगांव के रहने वाले हैं। कहलगांव के अनुपम और संदीप दोनों मित्र हैं, जो अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। जब इसको लेकर संदीप से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भगवान राम से काफी गहरा लगाव रहा है। संदीप बीबीए का छात्र है। संदीप ने बताया कि 1 जनवरी को घूमने का प्लान बना था, लेकिन उस दौरान नहीं घूमने के लिए निकल पाए। तभी अचानक से रात में बैठकर प्लान बनाया कि किसी तरह अयोध्या घूमने चलना है। भगवान श्री राम के लिए कुछ अलग तरीके से ही अयोध्या जाने की ठानी। इसके बाद साइकिल से अयोध्या निकल पड़े। उसने बताया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी करता हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे पढ़ाई करता हूँ और अपने अन्य कार्य भी करता हूँ। प्लान बनते ही दोनों ने नई साइकिल कसवाई और अयोध्या के लिए निकल पड़े। जब अनुपम से बात की गई कि ठंड के दिनों में यह यात्रा कैसे पूरी होगी तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम के सामने यह ठंड कुछ भी नहीं है, सब उनकी कृपा से संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि भागलपुर से अयोध्या की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है और यह दूरी ये दोनों साइकिल से तय करेंगे। उसने बताया कि 22 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाऊंगा। दोनों ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा, जिससे 22 को भगवान राम के दरबार पहुंच जाऊंगा। वहीं उसने बताया कि यह दिन ऐतिहासिक व गौरव का दिन है, अधिक से अधिक लोगों को अयोध्या आना चाहिए और भगवान राम के इस मंदिर का साक्षी जरूर बनना चाहिए। आज 2 बजे कहां से? कहलगांव में, नंदलालपुर। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार सिंह। और आपके मित्र का? अनुपम। दोनों साथ ही पढ़ते हैं क्या? नहीं, एक ही जगह के रहने वाले। दोनों साथ में फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी करते हैं। तो कैसे ये आपको आया मनोवृत्ति की आज? ये परसों अचानक क्या हुआ कि चलो किसी तरह घूमने जाना है, तो 1 तारीख को हम लोग जा नहीं पाए थे घूमने। हम लोग सोचे चलो अयोध्या ही चलते हैं साइकिल से। तो फिर अचानक परसों मन में आया, तो फिर परसों रात में ही प्लान बना, कल साइकिल कसाएं और आज सुबह लेके रवाना हो। नई साइकिल से अयोध्या रवाना ना। और आप और लोगों को क्या संदेश देंगे? 22 जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का। तो बोलेंगे आप लोग भी आइए, ट्रेन से आइए, जैसे हो आइए। लेकिन कैसा अनुभूति फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाकई में अयोध्या बहुत अच्छा जगह है। हम एक बार वहाँ से आ चुके हैं, दूसरी बार जा रहे हैं। अभी कैसे, कहाँ पढ़ रहे हैं अभी आप? हम तो जयपुर पढ़ रहे हैं, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर। क्या पढ़ रहे हैं अभी? बीबीए कर रहे हैं। बीबीए। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर हैं। क्या नाम है? रंजन सिंह। आपका नाम? संदीप कुमार सिंह। बचपन के नहीं है, फोटोग्राफी में ही। तो कैसे ये आया मन में कि आज अयोध्या निकलना है साइकिल से? राम जी का मन में आया कि नहीं हमें जाना है, तो हम तैयार हो गए। इसके पहले 2 दिन हो रहा है जो मन में आया, इसके पहले तो मन में नहीं था कि हमें जाना है। क्या टारगेट है आपको उद्घाटन से पहले पहुंचने का? 19 तारीख को हम लोग का पहुंचने का। रोज कितना चलने का सोच रहे हैं? कम से कम 100 किलोमीटर डेली चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुपम कुमार। पिताजी का नाम? राजकिशोर शर्मा। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई मेरा स्टूडियो है, फोटोग्राफी। घर कहाँ हुआ? कहलगांव ओगरी।